3 फरवरी 2022 को पुलिस को एक मुखबिर से गोपनीय सूचना मिली कि कोंदे गांव से बुरजुवाड़ा तक साइड रोड पर बिना चारा और पानी के पशुओं को क्रूरतापूर्वक बांधकर अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। ऐसी सूचना पर 3 फरवरी 2022 को शाम 5:30 बजे के बीच नाकाबंदी कर दी जाती। शाम 6:30 बजे के बीच एक दो बार एक चार पिकअप वाहन कोंदे गांव की ओर आने का संदेह होता था। बुरजुवाड़ा पहुंचने पर वाहनों का निरीक्षण करते हुए MH40AK4231 चालक नाम भूषण मोरेश्वर राउत, उम्र 22 वर्ष, निवासी मोपा, तालुका कलमेश्वर, MH40BG8284 चालक का नाम सूरज शिवलाल शनीश्वर, उम्र 22 वर्ष, निवासी मोहपा, तालुका कलमेश्वर, MH40BG9681 चालक का नाम योगेश साहेबराव उइके, उम्र 30 साल, निवासी मोहपा, तालुका कलमेश्वर, MH40CV0615 चालक का नाम अशोक श्रीराम इरपाती, उम्र 30 साल, बुदला तालुका कलमेश्वर। के चारों वाहनों में 16 बैलों की कीमत लगभग 80,000 तथा वाहनों की कीमत 5,00,000 रुपए थी। पशुओं को जय श्री कृष्ण भगवान गोरक्षण संस्था गोंडेगांव बोलेनो नरखेड़ नागपुर रवाना कराया गया। उपचालकों के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत पोस्टेज सावनेर में अपराध दर्ज किया गया है और आगे की जांच APR दिनेश खुटेले द्वारा की जा रही है। उपरोक्त कार्रवाई विजय कुमार मगर पुलिस अधीक्षक नागपुर ग्रामीण, राहुल मानकर अपर पुलिस अधीक्षक नागपुर ग्रामीण, सावनेर पुलिस निरीक्षक मारुति मुलुक पोस्टेज सावनेर के मार्गदर्शन में हवलदार दिनेश काकड़े रूड़े, आशीष कारेमोरे, धोंडीबा नागरगोजे शास्त्री आदि ने भाग लिया। PCN न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडले की रिपोर्ट।